हेलो दोस्तों, माइसेल्फ के द यूनिक ट्रेवलर। दोस्तों आज मैं दिल्ली से दरभंगा तक की सफर जो है मैं अभी शुरू किया हूं मैं, और मैं 2018 से 2022 हो गया लगातार मैं 5 सालों से दिल्ली से बिहार जाता हूं। अलग अलग टाइम में दिल्ली से निकलता हूं, कभी रास्ते में स्टे भी किया हूं मैं, और आज प्लान कर रहा हूं मैं कि मैं नॉन स्टॉप जाऊं। वैसे देखेंगे कि अगर थकावट ज़्यादा आ जाती है तो खलीलाबाद के पास मैंने होटल जो है बात कर लिया है, वहाँ पर हम लोग रुक भी सकते हैं। तो मैं पूरी फैमिली के साथ जो है आज दिल्ली से दरभंगा तक के लिए जो है जर्नी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी तरह से आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं चल रहा हूँ तो उसमें मुझे क्या परेशानी हुई, क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान रखनी चाहिए थी, और आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये भी बताऊंगा। और दोस्तों मेरी गाड़ी जो है ये सीएनजी पे चलती है, तो जो सीएनजी कार के ओनर हैं उनको ये भी बताऊंगा कि मैंने सीएनजी कहाँ कहाँ पर लिया है, और बाकी जो सीएनजी पे नहीं चलते हैं उनको तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं बता ही चुका हूँ मैं, कि मैं रास्ते में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर रुक सकते हैं, कहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि मैं कोशिश यही करूंगा कि बिहार में रात में ट्रेवल ना करूं, क्योंकि बिहार का जर्नी रात में मेरे ख्याल से सेफ ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इसीलिए देखते हैं, जो भी होता है मैं रास्ते में आपको बताऊंगा। तो आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए पूरी वीडियो तक। अब मिलते हैं हम लोग। दोस्तों जर्नी स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी चीजें जो है वो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि मैंने सबसे पहले गाड़ी में फ्यूल लेवल चेक कर लिया, उसके अलावा मैंने चारों टायर में मैंने नाइट्रोजन डलवा दिए, इसके अलावा मैंने एक बार इंजन ऑयल का लेवल चेक कर लिया कि इंजन ऑयल का लेवल सही है नहीं है, कूलेंट चेक कर लिया। इस सब के बाद हमने जर्नी को स्टार्ट करा। ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, और यहाँ भी स्पीड आपको 100 तक का स्पीड अलाउड है। अब हम लोग इसके बाद पहुँचेंगे एक्सप्रेसवे पे, अब एंटर कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे पर पहुंचने वाले हैं, काफी एक्साइटमेंट है, और सबसे अच्छी बात है कि कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला। तो अब एक्सप्रेसवे पे चलते हैं, और इसके बाद हम लोग रुकेंगे सावरिया पे, जहां पर पेट्रोल पंप वगैरह है, तो वहां पर हम लोग फ्यूल रिफिल करवाएंगे। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे पे आपको स्पीड लिमिट तो 100 ही मेंशन है, लेकिन आप चाहें तो आप उसकी स्पीड को थोड़ी सी इंक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पर, क्योंकि दूर दूर तक गाड़ियाँ रहती हैं, तो आप अपनी स्पीड को 120 तक रख सकते हैं। वैसे मैंने स्पीड कैमरा को से बचने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड कर रखा था, रडार बोर्ड, जिससे पता चल जाता है कि कौन सा स्पीड कैमरा आने वाला है, इससे मैं अपने फिर स्पीड को मैं कम कर लेता था। अदरवाइज 120 तक जो चलाना जो है ना बिल्कुल सेफ है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इस एक्सप्रेसवे पे। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे पे आपको अराउंड 430 रुपीज़ आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, और इसके अलावा 40 रुपीज़ का एक टोल टैक्स देना पड़ेगा जो इनर रिंग रोड है आगरा में, जो दोनों एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है उसमें। दोस्तों आ गए हम लोग सावरिया पेट्रोल पंप, ये वैसे कह सकते हैं कि सबसे बड़ा और फर्स्ट स्टॉप ही कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले स्टॉप तो आता है लेकिन वहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं होता। तो अब मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल भी लूँगा और सीएनजी भी लूँगा, आप यहाँ पर आ सकते हैं। और
यमुना एक्सप्रेस वे खत्म कर दिया है। अब इस छोटे से जो रिंग रोड बना हुआ है, इनर रिंग रोड, इसको कनेक्ट करेगा ये। दोस्तों अब हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली सांवरिया पे बस सीएनजी नहीं मिला, इसलिए मुझे जाना पड़ा आगरा, और आगरा से सीएनजी भरा करके फिर से मैं वापस आ गया हूँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की तरफ। ये देखिए कितना शानदार एक्सप्रेस है ये। तो पहले जो एक्सप्रेस वे था ग्रेटर नोएडा से आगरा, उससे भी बेटर एक्सप्रेस वे। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग फर्स्ट हॉल्ट पे। इस एक्सप्रेस वे पे भी आपको स्पीड लिमिट 100 ही मेंशन है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंगली आप चाहो तो 120, 140 तक भी आप अपनी स्पीड को ले जा सकते हो, क्योंकि ये 120, 140 के लिए बिल्कुल सेफ है। बस वही है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्पीड कैमरा का। अब मैं पहुंच गया हूं जो फर्स्ट हॉल्ट है उस पर। ये देखिए दोस्तों, गाड़ी की अच्छी तरह से सर्विस करवाने के बाद ही आना चाहिए हमें एक्सप्रेस वे पर, क्योंकि गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है हाई स्पीड पर। तो अगर आप निकलें तो उससे पहले गाड़ियों की सर्विस करवा लें। ये पहुँच गए फर्स्ट हॉल पे। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह होगा तो लेकर के, और वॉशरूम वगैरह चले जाएंगे बच्चे, फिर यहाँ से हम लोग आगे की जर्नी शुरू करेंगे। ये जगह वैसे सेफ है क्योंकि इस जगह पे सिर्फ जो ट्रैवलर है सिर्फ वही आते हैं, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल वाला ये एक्सप्रेसवे है, कोई बाहर का आदमी नहीं आता। वैसे यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह भी है, आप अपने अकॉर्डिंगली आप कुछ भी खा सकते हैं। क्योंकि मुझे सीएनजी लेना है तो मैं यहाँ से अभी निकला हूँ, और 3 किलोमीटर बाद फिर से नीचे जाकर के यू टर्न लेकर के आऊंगा, तब सीएनजी भराऊंगा मैं, दूसरी तरफ सीएनजी मिलेगा मुझे। दोस्तों अभी 107 किलोमीटर पे आ गए हैं, क्योंकि 104 किलोमीटर पे तो फर्स्ट होल्ड था, और वहां से 3 किलोमीटर आगे आकर के अब मैं उतर रहा हूं, क्योंकि मुझे यू टर्न लेकर के जाना पड़ेगा सीएनजी लेने के लिए। तो जिनको सीएनजी लेना होगा वो 104 के बाद ऊपर फिर से वापस चढ़ेंगे फर्स्ट होल्ट के बाद, और 3 किलोमीटर आगे आकर के वो फिर यू टर्न लेकर के दूसरी तरफ जाएंगे, तब जाकर के वहां पर वो सीएनजी ले सकते हैं। अभी वहां पहुंच के बताता हूं कि सीएनजी मिला नहीं मिला। आ गए हैं हम लोग यू टर्न लेकर के, अब देखते हैं यहाँ पर सीएनजी अभी अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि फर्स्ट होल्ड पर जो इससे पीछे 3 किलोमीटर था वहाँ पे हम लोगों ने जो है डिनर कर लिया है। अब इधर आए ही हैं सिर्फ यही चेक करने के लिए सीएनजी हमें मिल जाए, शायद सीएनजी है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ जो है। सीएनजी लेने के बाद अब हम लोग आगे निकल चुके हैं लखनऊ की तरफ। रात में देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, और ट्रैफिक की भी कोई इश्यू नहीं है। देखिए दूर दूर तक गाड़ियां हैं, तो आप चाहें तो 120, 140 तक की स्पीड जो है आप रख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस भी बहुत लॉन्ग है, तो आप जितना टाइम मेकअप कर सकते हैं आप एक्सप्रेस वे पे ही कर सकते हैं। क्योंकि लखनऊ के बाद आपको दिक्कतें थोड़ी बहुत होगी, क्योंकि वो नॉर्मल नेशनल हाईवे है, तो वहाँ पर
कोई भी आ जाता है, और खास करके रात में तो ट्रक की जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो अब लखनऊ पहुंच करके, लखनऊ जो है मैंने टारगेट ले रखा है कि एक्सप्रेसवे पे जब एंड होने लगेगा जर्नी, तभी मैं नेविगेशन में लगा लूँगा ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन, क्योंकि वो मुझे सीधा वहाँ से मैं स्ट्रेट जो है रोड मुझे कनेक्ट कर देगा NH 28 से। क्योंकि अगर मैं सीधा नेविगेशन सिंपली लगा देता हूँ, अगर आज गोरखपुर और बिहार का सीधा नेविगेशन अगर आप लगा देते हैं लखनऊ में, तो फिर आपको नेविगेशन जो है बहुत सारी गलियों से आपको घुमाता रहेगा। दोस्तों रात में अंधेरा होने के कारण मैं आगे का जर्नी सूट नहीं कर पाया था। अब मैं एंटर कर चुका हूँ बिहार में, और रास्ते में मैंने गोरखपुर में CNG रिफिल करवा लिया था। आ चुका हूँ मैं, ये पिपरा कोठी है, और यहाँ से अभी मुजफ्फरपुर करीब जो है 60 किलोमीटर होगा, और वहाँ से मुझे दरभंगा तक जाना है। और इससे पहले बिहार में एंटर तो कर गए थे, गोपालगंज के पास ही कर गए थे, लेकिन वहाँ पर रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और रात में हम लोग सेकेंड हॉल्ट पे लगभग जो है 2-3 घंटे तक जो है रुके थे, उसके बाद हम लोग वहाँ से चले, और बीच बीच में रुकते हुए आए हैं। CNG की कार है तो बार बार CNG भी रिफिल करवाना पड़ा मुझे, और खासकर फेस्टिवल टाइम में CNG की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हर जगह मुझे नहीं मिली CNG। तो कहाँ कहाँ मिली है उसके लिए मैं एक डिटेल जो है अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। तो दोस्तों अब हम लोग पहुँचते हैं आगे मुजफ्फरपुर, और दरभंगा फिर बताते हैं आपको। ये लगभग हम लोग जो है दिल्ली से चले थे, 2 बजे के करीब चले थे, और अभी टाइम हो रहा है 8:47 हो रहा है। तो अब ये मान के चलिए कि 50-60 किलोमीटर दूर रहेंगे मुजफ्फरपुर से। तो अच्छा था रात में, मुझे बल्कि डर लग रहा था कि रात में ड्राइव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ रात में। ये बात है कि ट्रक बहुत सारे चलते थे, लेकिन एक फ़ायदा ये भी था कि छोटी छोटी गाड़ियाँ जो खास करके जो ऑटो वगैरह जो होती है, ऑटो बाइक ये सब नहीं था, तो चलाने में ज़रा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और रास्ता भी ठीक ठाक ही है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप चाहें तो नॉन स्टॉप भी आ सकते हैं, बट एक बार कहीं ना कहीं आप रुकने का जो है अगर ऑप्शन हो तो रुक जाइएगा, नहीं तो 2-3 घंटे किसी एक जगह पर रुक जाइएगा। अदरवाइज हर टोल टैक्स से पहले 5-5 मिनट 10-10 मिनट करके आप जो है ना अपने आप को रेस्ट दे दीजिए, और बस मस्ती में चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप देख रहे होंगे मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं है। अब मैं दरभंगा पहुंच चुका हूं, अपने बहन के घर पे आया हूँ भैया दूज में। तो दोस्तों हमारी जर्नी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, तो आप इस मेरे चैनल को KK The Unit Traveler को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।